शिवपुरी जिले के कोलारस में पुलिस ने 34 किलोग्राम गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस जब्त किए गए गांजे की बाजारू कीमत 3,40,000 रुपए आकी गई है। थाना प्रभारी जितेंद्र मावाई ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने लाल होटल के पास से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उन दोनों युवकों के पास से चार नए सूटकेस मिले हैं, जिसमें दोनों आरोपियों ने 34 किलोग्राम गांजे को छुपा कर रखा था। दोनों आरोपी शारदा कॉलोनी शिवपुरी के रहने वाले हैं। यह आरोपी उड़ीसा से गांजे की खेप सूटकेस में भरकर ला रहे थे, जिससे किसी को शंका ना हो सके पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुझे कल अपने विश्वसनीय मुखिया से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लोग उड़ीसा से गांजा लेके आए हैं चार बैगों में। तो उसी मुखिया की सूचना पर से दबिश देकर उसको पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। ये अपना जो अपना हाईवे है वहाँ से कितने लोगों को पकड़ा गया? दो लोगों को पकड़ा गया। ये 3.5 लाख की कीमत का माल है, 34 किलो गांजा उसमें पकड़ा गया। इसमें